इस देश की माताओं, कल्पना करो गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को, आज जो हमारे चोटी और जनेऊ सुरक्षित है, मंदिर शिखर गाय सब कुछ सुरक्षित है, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार क्या बलिदान किया है। कभी जाइए आप जलंधर की ओर, जब जाएं चंडीगढ़ पार करके, अंबाला पार करके आप थोड़ी ही दूर पर अंबाला से आगे बहुत दिव्य गुरुद्वारा मिलेगा, सरहंद नाम की जगह। रात्रि में टिके हुए थे गुरु गोविंद सिंह के पूरी टुकड़ी और माँ, उनकी दादी, बच्चे वहां सो रहे थे। रात्रि को कैसे किसी ने शरारत कर दी और वहां के नवाब को समाचार दे दिया, आक्रमण हो गया, भगदड़ मच गई, दादी पकड़ी गई और दोनों बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों पकड़े गए। एक 12 वर्ष का था, एक साढ़े तेरह 14 वर्ष का था। कहा गया क्षमा कर देंगे, छोड़ देंगे, इस्लाम धर्म स्वीकार करो। 13-14 वर्ष के बालक कहते हम शेर की संतान है, हम गीदड़ की संतान नहीं है, हमने शेर माँ का दूध पिया है। बोले गर्दन काट दी जाएगी, बोले बोटियां काट दीजिए। गर्दन काट देते तो 2 मिनट में चलो शांति हो जाती, कितना तड़पा के मारा है आप कल्पना करो। वो दीवार आज भी खड़ी है, दोनों बच्चों को जिंदा दीवारों में चिरा दिया, एकदम प्राण नहीं निकलते, कितने घुट घुट के प्राण निकले होंगे, बालक कितने घबराए होंगे, कितने घुटे होंगे। ककैया ईंटों की दीवार आज भी उस दो गुरुद्वारे में खड़ी हुई है, लोग माथा टेकते, ऐसा लगता है ईंटों में से बच्चों की आवाजें आ रही है। और घटना आती है कि जब छोटा भैया, उसको दीवार पहले यहाँ होठों तक जब छोटे की आ गई, बड़ा चूंकि थोड़ा लंबा था तो वो रोने लगा, तो छोटे भैया ने कहा बड़े से बराबर बराबर खड़े किए गए थे, रोता है सिंह का सपूत होकर, कायर गिदड़, रोना था तो पहले ही क्षमा मांग लेता। बड़ा भाई कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा भैया कि आज हमारी जीवन लीला समाप्त हो रही है, हमारे प्राण जा रहे हैं, हमारी हत्या हो रही है, इसलिए नहीं रो रहा हूं। फिर क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ है, माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आया, माँ के हृदय का अमृत पान तुझसे पहले मैंने किया है और आज इस भारत माँ की रक्षा के लिए मुझसे पहले तू बलिदान दे रहा है। जल्ला दो दीवाल, रोको, पहले मेरी दीवाल चुनो, मेरा छोटा भाई बाद में चलो। ओढ़ लगी,